नमस्कार, मी शेख आहे. माझा महाराष्ट्राच्या विशेष मुलाखत मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज NRC CA NPRH विरोधात सर्व समाज संविधानावर हमला होत असल्यामुळे रोडावर उतरलेले आहेत. वंचित बहुजन आघाडी तर्फे आज महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केले होते. आज आपल्यासोबत व्यापारी अब्दुल सलीम शेठ सौदागर आपल्या सोबत आहेत. यांच्या सुद्धा यांना पाठिंबा आहे आणि यांच्याशी आपण विचारणार आहोत की NRC हा CA बिल रद्द करण्यासाठी आपण काय म्हणणार आहे, आपण काय बोलणार आहे. देखिए, जो संविधान ने जो हमारे ऊपर नए कानून थोप दिया जा रहा है, बाला साहेब अम्बेडकर जो कानून के लिए इस हमारे लिए जो लड़ाई लड़ रहे, और शहर नांदेड़ में फारूक भाई उनके जो बड़े लीडर हैं, वो लोग हमसे आए, राबता किए, कानून के बारे में बता रहे, ऐसा कानून है, इस चीज़ है, हमें आपका ताउन होना. तो हम ये कानून का उल्लंघन करते हुए NRC ACC ये CAA के लिए हम लोग इसके खिलाफ हैं. क्यों नहीं रहेंगे भाई खिलाफ? आप कानून बना रहे हैं, कानून के सभी हिंदुस्तानी को उसको मानना भी चाहिए ना. आप ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप देंगे और इसे मानो बोले तो कहाँ से मानेंगे? आज बेटे भी है, अपनी औलाद भी है. अगर बाप अपनी औलाद को कोई चीज़ को ज़बरदस्ती करता है तो औलाद कहाँ से सुनेंगी? आप तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, आप तो पूरे मुखिया है हमारे. आपका काम है हम सब पब्लिक को, नागरिक को साथ में लेके चलना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है. आप आपके प्रतिनिधि को हमसे भेजिए, हर मुसलमान से पूछिए, हर हिंदू भाई से पूछिए, हर सिख समाज वालों से पूछिए. आप हमें दरकिनार करके मत रखिए. शाही ताकत, शाही तलवार वाली कानून नहीं चलती, नहीं चलती. तो हिटलर शाही का कानून बोला जा रहा है. तीन तलाक का बिल हो या कोई भी मसला हो, ये कानून लागू करते जा रहा है. पर आज जो है ये मुसलमानों पे अन्याय और संविधान पे हमला, ऐसा तुमको लगता है क्या? बात खाली आप मुसलमान की बोल के मत बोलो, बात पूरे हिंदुस्तानी की है. और मैं यहाँ जो जमा हुआ, एक हिंदुस्तानी बन के जमा हुआ हूँ. आज हर हिंदुस्तानी परेशान है. पहले तो नोटबंदी के बाद जो सब हिंदुस्तानी की क्या हालत है, बाखूबी पूरी दुनिया उजागर है. और आज ये कानून और एक थोपा जा रहा है. तीन तलाक का मसला है पूरे कानून के मसले मसाइले, मगर आम पब्लिक आपसे खुश होना चाहिए. आप आम पब्लिक आपको दुआ दे सके. हम फकीर लोग हैं साहब, हम दुआ देने वाले लोग हैं. हमारी दुआ लियो आप लोग. आज जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर कैसे हो वो सोचिए आप. और लोगों को परेशान करके और नए कानून बोल के कन्फ्यूज हो जा रहे हैं. आज कोई हिंदुस्तानी से पूछिए आप, उन्हें कन्फ्यूज है. आज क्या जवाब दिए? विकास को काम बाजू रखते हुए ये नया मुद्दा ला लिया उन्होंने और पूरा कारोबार ठप कर. विकास तो आप विकास तो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मगर कारोबार में जो हर जुमले को बना के बोलूंगा मैं. बाखूबी आप एक रिक्शा चलाने वाले से पूछिए, रोज करके खाने वाले से पूछिए, एक हम्माल से पूछिए, एक ताजिर दुकानदार से पूछिए, व्यापारी जो कारोबार करने वाले उनसे पूछिए, उनकी माशी हालत कैसी गुजर रही है. अभी महंगाई कितनी बढ़ गई, खर्चा कितना हो रहा, आज भत्ते कितने बढ़ रहे, महंगाई हो गई, हर चीज को हम लोग आप समझ सकते हैं. आप हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है जुमले बना के बोलने के लिए. हमारी आवाज आम आवाज है, बस हमारी आवाज सुन ले सरकार. व्यापारी की तरफ से आप जो वरिष्ठ माने जाते हैं व्यापारियों में, तो आज के आपके तरफ से क्या सीए को व्यापारी? हम सब व्यापारी, जैसे हमारे को मालूम हुआ आज कुल जमात तहरीक और प्रकाश अम्बेडकर साहब की तरफ से पूरा 24 जनवरी को बंद का आह्वान हुआ. उन्होंने हमारे पास आके समझा कि हमको बात करें व्यापारियों को, हम व्यापारियों ने उनको सपोर्ट करे. क्या गलत करे भाई, हम सपोर्ट करें, हमारे लिए नहीं, सभी हिंदुस्तानी के लिए कर रहे हैं ना. उन्होंने आखिरी सवाल, इसके बाद भी ऐसा कोई बंद का आह्वान आता है कुल जमात की तरफ से या कोई भी? कुल जमात तहरीक की तो मैं तारीफ करूंगा. तो आप बंद में साथ देंगे इसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुल जमात तहरीक का तो बराबर साथ देंगे हम. बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल साथ देंगे कुल जमात तहरीक के लिए. लब्बैक, हम हमारे जितना अल्लाह ने हमको हिदायत दिया, जितनी सलाहियत दिया, हम पूरी सलाहियत से उनके साथ रहेंगे. करम नवाजी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज. आता
आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.